गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने आपको लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाया था, फिर उसके बाद जनन का उद्देश्य पढ़ाया था, और जैसा आज हमने कहा था कि हम आपको अगली क्लास में जनन की विधियां पढ़ाएंगे। तो जनन की विधियां क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो आज हम आपको जनन की विधियों के बारे में बताएंगे। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की विधियां दो प्रकार से होती हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। लैंगिक जनन हम इसके बाद पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। तो अलैंगिक जीव जनन क्या है? यह जनन की एक सरल विधि होती है। जो अलैंगिक जीव जनन होता है वह जनन की एक सरल विधि होती है। इसमें एक ही जीव अपनी जैसी समरूप प्रतिलिपि को उत्पन्न करता है, यानी कि जो उसकी संतान होती है बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसे ही होती है, यानी कि वह अपने जनक के समान होता है। एक आकार में व अनुवांशिक गुण में बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल जनक के समान, और इनके संतान को पूर्वजक भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी कि इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही जीव होता है जिसमें दोनों नर और मादा एक ही जीव में उपस्थित होते, अतः इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? तो हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन के लक्षण। तो अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है लिखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि यह केवल एक जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि इसमें अलग अलग यानी कि नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें कोई भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसे कायिक या सोमैटोजेनिक जनन भी कहते हैं। इसमें इस प्रकार के जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती है, संततियां जनन के बिल्कुल समान होती हैं। हुबहु बिल्कुल जैसा जनक होगा वैसे ही उसकी संतति होगी। जनन के लिए विशेष अंगों का विकास भी नहीं होता है, जैसे और जीव जंतु होते हैं जिसमें जनन अंग पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कोई भी जनन अंग का विकास नहीं होता है। फिर संतति व जनकों में गुणसूत्रों की संख्या, संरचना व जीन समान होते हैं। अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत जो होता है वह तीव्र गति से होता है। अब इसमें अलैंगिक जनन में ताप एवं भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में यह जनन होता है, यानी कि जब इनके अनुकूल मौसम होता है तब अलैंगिक जनन की परिस्थिति आती है। यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि में यह जनन पाया जाता है। तो ये था आपका अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। इसके बाद अगले जो हेडिंग है, तो इसमें कई प्रकार की जनन भी होते हैं, तो वो हम आपको आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।